72 हो रहे क्या भाई? मुसलमान तो अय्याश हैं, ये तो जन्नत में जाएंगे, इनको एक औरत थोड़ी, इनको तो 72 हो रहे मिलेंगी। लोग ना मुसलमानों को ज़बरदस्ती बदनाम करना चाह रहे, डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना रहे। द कश्मीर फाइल्स फिल्म बनाई थी ना, जिसको गोवा के इंटरनेशनल ज्यूरी कह रही थी ये तो बकवास फिल्म है, बकवास है, ये प्रोपेगेंडा फिल्म है। पहले द कश्मीर फाइल्स बनाई, फिर द केरला स्टोरी बना दी, फर्जी कहानी है, झूठी कहानी, झूठी बातें, बिल्कुल फर्जी, इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम करने के लिए फर्जी कहानियाँ, गलत मन गलत, तो वो बनाई जा रही हैं और सब जगह दिखाई जा रही हैं, बेबुनियाद इल्ज़ाम। और उससे एक फ़िरक़े को बदनाम किया जा रहा है, बदअमनी का डर है, इश्तेआल अंगेज़ी है, हालात ख़राब हो रहे हैं। अब तीसरी फिल्म बनाई है अजमेर 92, अजमेर 92, कोई अजमेर का वाक़या हुआ था, डॉक्यूमेंट्री बनाई है अजमेर 92। हजूर ख्वाजा गरीब नवाज अताए रसूल सुल्तानुल हिंद, ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी की दरगाह को भी निशाना बनाया। 850-900 बरस से ख्वाजा गरीब नवाज का दरगाह आस्ताना मोहब्बत प्यार इत्तेहाद और इंसानियत का मज़हर है। आज भी वहाँ पर जो हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं, सुबह को आकर ख्वाजा गरीब नवाज के आस्थाने पर बुलंद दरवाजे की चौखट पे अपनी चाबियां रख के दुआ करते हैं हाथ जोड़ के, आज भी। और ऐसी मुकद्दस हस्ती को अगर कोई बदनाम करेगा और गलत कहानियां, फर्जी कहानियां, दस्तावेज, हम तो यही कहते हैं कि इन लोगों पे पाबंदी लगनी चाहिए और जो बनाने वाले हैं उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। अजमेर 92 और एक फिल्म बनाइए 72 हूरे। क्या भाई मुसलमान तो अय्याश हैं, ये तो जन्नत में जाएंगे, इनको एक औरत थोड़ी, इनको तो 72 हूरे मिलेंगी, बकवास। हम तो यही मुतालबा करते हैं, इन पे पाबंदी लगे, आगे कोई ना बने। और इससे देखिए, मुझे कोई अपना डर नहीं है, मुझे मुसलमान का डर भी नहीं है, हमारी बहन बेटी का डर भी नहीं है मुझे। आप मेरे दिल को देख लीजिए, अल्लाह गवाह है, इन तमाम गीदड़ भपकियों से हमें डर नहीं है, हम तो अल्लाह पे भरोसा करने वाले हैं। ये तो अबू लहब और अबू जहल जैसे आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन हालात जब हमारा संविधान, हमारा आईन, हमारा कानून इसकी इजाज़त नहीं देता तो नहीं देता।